न्यूटन सेकंड लॉ से पहले हमें कुछ और बात समझनी पड़ेगी। न्यूटन सेकंड लॉ से पहले एक और छोटा सा कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा। ये कंसेप्ट कहलाता है मोमेंटम। मोमेंटम, अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या है? ये मेरे हाथ में एक बॉडी, इसको मैंने एक सर्टेन मोशन दिया, ठीक है, सर्टेन एक मोशन दिया आपकी तरफ को, मैंने इसे उछाला, आप इसे आराम से पकड़ लेंगे, रोक लेंगे, इसे रोक लेंगे आराम से, बिल्कुल इसी जैसा शेप का, इसी जैसे साइज का पत्थर का टुकड़ा हो तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी इसे रोकने में, चोट लगने के चांस हैं, उसको रोकना मुश्किल पड़ेगा, मास उसमें ज्यादा होगा। उसी पत्थर के टुकड़े को मैं और ज्यादा फोर्स से तेजी से फेंकूं तो इस बार और ज्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, और तकड़ी चोट लगने के चांस है ना। है तो वही बॉडी, लेकिन जब आपने इसे कम स्पीड पर फेंका तो इसमें मोशन कम है, जब आपने इसे ज्यादा स्पीड पर फेंका तो इसमें मोशन ज्यादा है, जब आपने इसका मास बढ़ा दिया तो भी आपने इसका मोशन बढ़ा दिया, तो भी आपने कुछ ऐसा है जो बढ़ा दिया। अगर इसकी जगह मैंने रबर की जगह पत्थर ले लिया, लोहे का टुकड़ा ले लिया इसी शेप और साइज का, तो मास बढ़ गया उसका, उतनी स्पीड से फेंका, लेकिन अब आप इसको रोकने के लिए ज्यादा आपको ओपोजिशन झेलना पड़ेगा, ज्यादा विरोध झेलना पड़ेगा इसे रोकने के लिए। तो यहां एक्चुअली क्या बढ़ गया? यहां एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ गई, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है किसी भी बॉडी के मोशन का मेजरमेंट। देखो वर्ड हम मोशन यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी या स्पीड यूज नहीं कर रहे, मोशन। मोशन में दोनों चीजें आ गई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, साथ में उस बॉडी के मास पर भी डिपेंड कर रहा है, मास भी आ गया। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है बॉडी का मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन, किस बॉडी में कितना मोशन है यही डिसाइड करता है, यही मोशन की क्वांटिटी कहलाती है मोमेंटम। अब ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड है, वेलोसिटी पर और मास पर। तो फिर मोमेंटम, हम कितना मोमेंटम है किसी बॉडी में, कितना मोमेंटम है किसी बॉडी में, कितना मोमेंटम है किसी बॉडी में, ये हम लिखेंगे बॉडी की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो उसके मास से, क्योंकि मोमेंटम मास पर भी डिपेंड है, मोमेंटम वेलोसिटी पर भी डिपेंड है। क्लियर हो गया? एक बात और देखेंगे ध्यान से कि ये जो मोमेंटम है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके सामने वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और एम क्या है? स्केलर। जब आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक नया वेक्टर मिलता है जिसकी डायरेक्शन गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो पी वेक्टर की डायरेक्शन, मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? वही जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, हेडिंग डाली आपने मोमेंटम, हेडिंग डालते हैं मोमेंटम। मोमेंटम लिखते हैं इसे, मोमेंटम क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज इट्स मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज इट्स मोमेंटम, इज इट्स मोमेंटम। इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी।
इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी. एक एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. एक एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स डायरेक्शन इज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स डायरेक्शन इज, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी. इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी. इसके बाद आप क्या लिख लेंगे, इसके बाद ये फॉर्मूला लिखेंगे, मोमेंटम पी वेक्टर इक्वल्स एम वी वेक्टर, और यूनिट क्या है इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये हुआ कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम. और न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ हम करेंगे कल. कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम था, इसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ.